Hello everyone, welcome to my channel Bhavika Mantra. Before starting today's video, let me share with you all, if you have any doubt regarding my any video, do mention that in the comment section, or you can message me on my Instagram page Bhavika Mantra. Now let's start today's video. Today's topic is adjectives. The pronunciation of this word is adjectives. Now, moving further, what are adjectives? Adjectives are words that describe or modify noun, such as people, places, things, or animals or pronouns. जैसे कि आप इस वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे adjectives, मतलब कुछ extra information provide करना, addition, कुछ हमें कुछ extra पता चल रहा है. तो adjectives ऐसे words हैं जो कि हमारे को किसके बारे में बताते हैं, नाउन्स के बारे में. जैसे कि कोई भी एनिमल के बारे में हम कुछ उसकी खूबी बताते हैं, या किसी प्लेस के बारे में बताते हैं, या किसी थिंग के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. दे डिस्क्राइब द नाउन बाय टेलिंग अस इट्स साइज, शेप, एज, कलर, एक्सेट्रा. तो अब क्या बताते हैं एडजेक्टिव, कि वो किस तरीके का है, वो किस तरीके की थिंग है, उसका शेप क्या है, वो बड़ी है या छोटी है. वो एज बताते हैं कि वो ओल्ड चीज है, न्यू चीज है या यंग चीज है. उसका कलर बताते हैं कि रेड है या ग्रीन है या वाइट है. दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इसलिए हम उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज की हमें नॉलेज देते हैं, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं. इसलिए हम उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं एडजेक्टिव्स को. एडजेक्टिव्स यूजली कम बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, और समटाइम्स दे कैन कम आफ्टर इट. अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस में या तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे या नाउन और प्रोनाउन के बाद भी आएंगे. दोनों ही चीजें ग्रामेटिकली करेक्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेड पेंसिल इन माई पॉकेट. इसमें जो पेंसिल वर्ड है दैट इज योर नाउन बिकॉज इट इज अ थिंग, एंड रेड इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिफाइनिंग विच कलर ऑफ पेंसिल इज इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फूड वॉज टेस्टी. द फूड इज नाउन एंड टेस्टी इज एन एडजेक्टिव. क्यों है एडजेक्टिव टेस्टी? क्योंकि ये हमारे को फूड की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फूड कैसा है, वो कैसा है का आंसर दे रहा है. इसलिए द टेस्टी वर्ड इज एन एडजेक्टिव. नाउ मूविंग फर्दर, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फॉर योर इजीनेस आई हैव डिवाइडेड एडजेक्टिव इन टू पार्ट्स. First is determiners and second is descriptive adjective. Now we will study both these type in detail. First up we have determiners. They are small group of words that act as adjectives. ये small group है किनका, कुछ words का, grammar words का, जो कि कभी कभी act करते हैं adjectives की तरह, क्योंकि हमारे को ये कुछ extra information provide करते हैं और कुछ questions का answer देते हैं. जैसे ये किसकी book है, किसकी pencil है, कौन सी जगह है, इन सब चीजों का हमें आंसर देते हैं एक सेंटेंस में. इसलिए ये एडजेक्टिव्स के नाम से जाने जाते हैं. ऐसे वर्ड्स हैं माय, योर, हिज, हर, ऑल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पोजेशन के बारे में बताते हैं, किसी की किस से बिलोंग करती है वस्तु, किसकी वस्तु है, इन सब के बारे में हमें बता रहे हैं. पोजेशन, किसी की ओनरशिप के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज दिस, दैट, दोज, ऑल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे डेमोन्स्ट्रेट समथिंग. वो हमारे को किसी चीज की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, किसी चीज की प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज बताते हैं एक सेंटेंस में. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ऑल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं.
Next is a and the, also known as articles. Actually, जितने भी adjectives अभी हमने पढ़े और जो ये articles हैं, ये अपने आप में एक separate vast concepts हैं grammar के. तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इन सब के बारे में. नेक्स्ट अप इज क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है, सम, फ्यू, मैनी, फ्यू पेंसिल्स, इन सब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे उनको हम डिटरमिन्स कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव का पार्ट है. इनका इसका एग्जाम्पल है दैट्स माई बुक. अभी हमारा कौन सा हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, बिकॉज ये हमें बता रहा है बुक जो नाउन है वो किसकी है, मेरी है. तो ये हमारे को पोजेशन के बारे में बता रहा है, इसलिए हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज विच स्कूल डू यू प्रेफर. स्कूल हो गया नाउन क्योंकि एक प्लेस है, एंड विच हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो ये पूरा सेंटेंस हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस. सो नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. इनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हमें एक सेंटेंस में किसी थिंग की या किसी प्लेस की हमें क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, इन सब का आंसर्स देते हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं. These adjectives describe noun that refer to action, state or quality. किसी की क्वालिटी बताते हैं कि उसकी खूबी बताते हैं वो कैसी चीज है या कैसी जगह है. These are as follow: small, big, sad, fat, white, etc. या तो हमें कलर बताएंगे या हमें उसका शेप बताएंगे या साइज बताएंगे. Example, they live in a big house. वो कैसे घर में रहते हैं, बड़े घर में. She wore a white dress. कौन से कलर की ड्रेस पहनी है उसने, व्हाइट कलर की. तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, दोनों टर्म से इसको हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज भी होती हैं. एडजेक्टिव्स कैन एक्सप्रेस डिग्रीज ऑफ मॉडिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, गरिमा इज रिच वुमेन, बट जोशिता इज रिचर देन गरिमा, एंड साधना इज रिचेस्ट वुमेन इन द टाउन. अब एडजेक्टिव्स हमें कंपैरिजन में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने शो किया है कि गरिमा जो है वो एक रिच वुमेन है. किससे रिच है गरिमा, जोशिता से. पर जोशिता से भी रिच है कौन, साधना. तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया ना. Suffix er and est to form most comparatives and superlatives. Moreover, we need ier and ist when a two syllable adjective ends in y. अब इसमें एक वर्ड आया है syllable. सिलेबल क्या होता है, सिलेबल का मतलब होता है जब आप कोई भी वर्ड एक ही साउंड में प्रोनाउंस करते हो. फॉर एग्जाम्पल रिच, आपने एक ही सांस में बोला ना रिच, आप इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते हो. अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इजी है, आपने एक ही उसमें बोला ना, एक ही स्ट्रेस में बोला. तो इस ऐसे अगर कोई वर्ड्स आते हैं तो इनमें हम ER या EST लगाते हैं, जो हम एक ही स्ट्रेस में बोल रहे हैं, जैसे रिच हो गया, ठीक है. अब लेकिन जैसे इजी वर्ड है, इजी वर्ड के एंड में हमने बोला तो ये एक ही सिलेबल में है, एक ही स्ट्रेस में है, लेकिन इसके लास्ट में Y है. तो Y हम जैसे कि जानते हैं कि एक वोवल है. तो अगर कोई वोवल एंड में आता है किसी वर्ड के, तो उसमें हम IER लगाएंगे, Y काट के IER लगाएंगे comparatives में, और IEST लगाएंगे superlatives में. इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, देखिए. easy, easy की comparative बन गई easier, and superlative बन गई easiest.
इसके अलावा एक और रूल है कि अब ऐसे वर्ड्स का क्या करें जो ज्यादा स्ट्रेस में बोले जाते हैं या जिनको हम पार्ट्स में बोल सकते हैं, उन वर्ड्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट, इसमें तीन सिलेबल आए, डिफिकल्ट तीन बार आया ना, तो ऐसे वर्ड्स में हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, कंपैरेटिव्स में हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव्स में हम मोस्ट लगाते हैं। इसका एग्जांपल नीचे देखिए, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सीखा कि कोई भी वर्ड है जिसमें एक सिलेबल यूज हो रहा है या एक सिलेबल आ रहा है उसके साथ तो हम ER या EST लगाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, टू और मोर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में, वो बोला तो एक सिलेबल में जा रहा है लेकिन उसके एंड में कोई वॉवल आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम वाई काट देंगे और IER और IST यूज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में। तो ये तो हो गई एक रूल की बात, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि ग्रामर इतनी इजी नहीं है, इसमें कुछ अलग से रूल्स भी हैं, तो इसकी एक एक्सेप्शन है कि कुछ इररेगुलर वर्ड्स भी होते हैं। अब वो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से इररेगुलर वर्ड्स हैं। वो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड। अब गुड की आप बोलोगे कि ये बोला तो एक ही सिलेबल में जा रहा है, तो इसका हमने कंपैरेटिव बेटर कैसे लिख दिया, लेकिन ये रूल है, ये ग्रामर का एक रूल है कि ये कुछ वर्ड्स हैं ये अपने अलग ही चलते हैं, इनकी एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो अब एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है गुड, गुड का होगा बेटर एंड बेस्ट। ऐसे ही बैड है, बैड भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी अलग चलेगा, उसका है वर्स एंड वर्स्ट। है मच, मैनी, सम, इन तीनों के साथ ही हम मोर और मोस्ट यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा फार, अब हम फार के साथ फर्दर और फर्देस्ट यूज करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो कि हम यूज करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में। तो नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव हाउ टू अरेंज और ऑर्डर एडजेक्टिव्स। अब आप कैसे अरेंज करेंगे ऐसे वर्ड्स को जो कि सारे ही एडजेक्टिव्स हैं, तो उन सबको अरेंज करने के लिए, उनकी एक सीक्वेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला गिवन है, आएंगे डिटर्मिनर। अब जैसे हमने ऊपर पढ़े ही हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, तो हमने फर्स्ट वो लगाना है। नेक्स्ट हमने लगाना है ओपिनियन। अब ओपिनियन क्या, अब जैसे कि कोई थिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है, तो मेरी क्या ओपिनियन है कि वो पेंसिल बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये मेरी ओपिनियन होगी ना कि मेरा क्या व्यू है उस थिंग को लेके या उस प्लेस को लेके, तो वो ओपिनियन आएगी। फिर आएगा साइज, अब कैसी है वो, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो वो हम लगाएंगे। नेक्स्ट है शेप, अब वो कैसी पेंसिल है, रेक्टेंगल है, स्ट्रेट है, स्क्वायर है, तो वो हम लगाएंगे। फिर है एज, कि वो ओल्ड है, न्यू है, यंग है, तो हम फिर एज लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है कलर, कलर में रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, तो हम फिर वो कलर बताएंगे। फिर है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से आई है, वो इंडिया की है, वो फ्रांस की है, या वो जर्मनी की है, तो फिर हम फिर वो लगाएंगे। फिर है मटेरियल, अब वो किससे बनी है, वो वुड से बनी है या कैसे भी कोई भी मटेरियल है, फिर हम वो लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है पर्पस, अब वो किस चीज के काम आती है, जैसे पेंसिल है वो राइटिंग राइटअप्स के लिए काम आती है, लिखने के काम आती है, तो लास्ट में हम वो पर्पस लगाएंगे। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, माय मदर गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल, अ हो गया आपका डिटर्मिन, ब्यूटिफुल होगी ओपिनियन,
long rectangle shaped old white Indian cotton dress piece. इसमें long हो गया size, rectangle हो गया shape, old हो गया आपका age, white हो गया आपका color, origin हो गया आपका Indian और cotton dress piece, cotton हो गया आपका material और हमने last में बता दिया कि वो चीज क्या है dress piece. तो अब इसमें पर्पस जो है वो लगाना ना लगाना वो आपके ऊपर है, लेकिन हमने ये जो गिवन वर्ड्स थे जंबल वर्ड्स हमने उनको इस तरीके से अरेंज किया है एडजेक्टिव्स की फॉर्म में. एक और एग्जांपल है, टुडे आई मेट अ वेल ड्रेस्ड यंग इटालियन मैन. इसमें जो वेल ड्रेस्ड हो गया वो आपकी ओपिनियन हो गई और जो यंग हो गया वो आपका एज हो गया और इटालियन हो गया आपको ओरिजिन और लास्ट में हमने बता दिया कि वो चीज है क्या, तो इटालियन मैन. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन एडजेक्टिव्स. अब क्या इम्पॉर्टेंट चीज हैं जिनका हमने ध्यान रखना है एडजेक्टिव्स को सॉल्व करते हुए. पहला चीज है एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, आई एन जी shows cause and ed show effect. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ing वाले words हैं जैसे confusing, boring, ये सब हमारे को क्या बताएंगे, ऐसे adjective हमें बताएंगे cause, किसका, किसी एक action का, ठीक है. अब जो ed वाले word हैं जैसे कि हो गया confused, bored, ये हमें क्या बताएंगे, उस action का effect बताएंगे. इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, स्टूडेंट फेल्ट कंफ्यूज्ड एज द क्वेश्चन पेपर वाज कंफ्यूजिंग. तो इसमें जो कंफ्यूज्ड हो गया वो आपका इफेक्ट हो गया और जो कंफ्यूजिंग था जो कि एक एडजेक्टिव है वो आपका हो गया कॉज. Like more cheaper, more taller, more good, etc. अब जो हमें next चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ऐसे कोई words नहीं होते. अगर आप more taller लिखते हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती. क्यों? क्योंकि टॉलर अपने आप में ही लंबा है. तो आप more taller लिखते हो तो लंबा लंबा, तो उसका कोई सेंस है ही नहीं. तो ऐसे वर्ड्स बिल्कुल गलत हो जाएंगे. ऐसे वर्ड्स आप ना लिखो. इसके लिए आपको वो रूल्स याद रखने हैं जो सिलेबल वाले हमने अभी सीखे हैं, कि अगर वर्ड एक ही सिलेबल में बोला जा रहा है, एक ही साउंड में बोला जा रहा है, तो उसके पीछे हम ER या EST लगाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में. लेकिन अगर कोई वर्ड एक ही सिलेबल में तो बोला जा रहा है लेकिन उसके पीछे लास्ट जो लेटर है वो कोई वोवल है, जैसे इजी के पीछे वाई है जो कि एक वोवल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लास्ट में IER और IEST यूज करेंगे कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स में. अब लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके टू या और या मोर सिलेबल्स हैं, जैसे कि डिफिकल्ट या इंटरेस्ट, तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोर और मोस्ट, जैसे कि मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट या मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग. तो इन रूल्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी एडजेक्टिव्स में. Now moving further, next rule is while writing, by using adjective immediately after a noun, that is using adjective post positively, it is a technique that help in creating emphasis. अब इसका क्या मतलब है कि जब हम adjectives को noun के पीछे लगाते हैं, नाउन के बाद लगाते हैं, तो एक एम्फेसिस क्रिएट करती है वो बात. राइटिंग में ये चीज अच्छी लगती है कि हम ऐसी कोई वर्ड्स, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव हमेशा हम नाउन के बाद में यूज कर रहे हैं, तो एक एम्फेसिस क्रिएट करती है, एक इम्पैक्ट शो करती है कि हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है. इसका एक एग्जाम्पल है, I suppress my thoughts, sinful and revengeful.
एक और एग्जाम्पल है द सी स्ट्रोक टेरिफाइंग एंड स्टेडिली प्रोसीड. कैसे आया सी स्ट्रोक? टेरिफाइंग एंड स्टेडिली. तो इसका एक इम्पैक्ट बैठा. ये एक रूल नहीं है, ये एक सजेशन है या कह लो एक एडवाइस है कि अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो अच्छी राइटअप्स या अच्छी राइटिंग हमारी जाती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अप वी हैव इन राइटिंग ऑलवेज यूज पंक्चुएशंस टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग टू और मोर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. हमेशा एडजेक्टिव्स जब भी हम यूज कर रहे हैं राइटिंग में उसके साथ पंक्चुएशंस का यूज हमेशा करें, क्योंकि अगर आप पंक्चुएशंस का यूज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, किसकी बात कार बारे में बात हो रही है, कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम ब्लैंक हो जाएगा. एग्जाम्पल है द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल डेंजरस इंसेक्ट. अब इसमें क्या है कि वाइल यूजिंग टू एडजेक्टिव्स, अगर हम खाली इस सेंटेंस में से दो ही एडजेक्टिव्स का यूज करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसमें एक्सेप्शनली और ब्यूटिफुल ले लिया है, तो आप कैसे उसका यूज करोगे पंक्चुएशन के साथ? द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली एंड ब्यूटिफुल इंसेक्ट. एकदम ठीक है कि मैंने एंड का यूज किया, दो एडजेक्टिव्स थे उनको सेपरेट करने के लिए मैंने एंड लगा दिया. करेक्ट है ये. एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, वो कैसे? द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली कॉमा ब्यूटिफुल इंसेक्ट. एकदम ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है. अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल इंसेक्ट. अब इसमें हमने बीच में कॉमा या एंड नहीं लगाया है तो ये ऐसे भी चल सकता है, लेकिन अगर इसी के साथ कोई और वर्ड, कोई और एडजेक्टिव जुड़ जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कैसे, क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, समझ नहीं आएगा. तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने क्या यूज करा है, देखो नीचे, द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली कॉमा ब्यूटिफुल कॉमा डेंजरस इंसेक्ट. एकदम करेक्ट ग्रामेटिकली. एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, द ड्रैगन फ्लाई इज एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल एंड डेंजरस इंसेक्ट. ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है राइटिंग में और ये बेस्ट भी है, मेरी एडवाइस के हिसाब से बेस्ट भी है कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं रहा है. तो अगर आपको ऐसे कोई सिचुएशन आए कि जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करने हैं राइटिंग में, तो उसमें हमेशा पंक्चुएशंस का यूज करें ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव लेट्स रिवाइज. Now let's revise what we have learned in this session. First is adjectives are words that describe or modify noun. Adjective ऐसे words हैं जो कि describe करते हैं या modify करते हैं nouns को. Adjectives are also known as describing words. हमने ये भी सीखा कि adjectives को describing words क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी thing को, place को या किसी person को describe करते हैं, इसलिए describing words हैं. There are two main parts of adjectives, determiners and descriptive adjectives. ये भी हमने सीखा कि हमने दो parts में divide किया था adjectives को, determines and descriptive में. एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब डिग्रीज, ये हमने सीखा बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे डिग्रीज में वो डिवाइड है, जो कि है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, कि ये कंपैरिजन में हेल्प करते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट हमने क्या सीखा, जो एक्सेप्शंस हमने एक्सेप्शनल रूल्स सीखे डिग्रीज के साथ, वो हमने सीखे कि हमें कैसे यूज करने हैं, किसके साथ मोर या मोस्ट लगाना है, किस वर्ड के साथ लास्ट में ER या EST लगाना है, या किसके साथ IER या IEST लगाना है, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है. नेक्स्ट इज फॉर्मूला. जो हमने फॉर्मूला सीखा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स हों
तो हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। उसका जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो ये था कि सबसे पहले हम डिटरमिन लगाएंगे, जैसे ए एंड दी, फिर ओपिनियन कि मैं क्या सोचती हूँ उस थिंग या उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो लगाएंगे, फिर उसकी साइज कि वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, वो लगाएंगे, फिर शेप कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, फिर वो लगाएंगे, फिर एज कि वो ओल्ड है, न्यू है, फिर वो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट है कलर कि वाइट है, ग्रीन है, रेड है, वो बताएंगे, फिर ओरिजिन कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, तो फिर हम वो बताएंगे, फिर मटेरियल कि किससे बना हुआ है, वो कॉटन से बना है या लेड से बना है या वुड से बना है, फिर वो बताएंगे, और एंड में पर्पस बताएंगे कि किस चीज के लिए काम आता है वो ऑब्जेक्ट या किस चीज के लिए काम आती है वो थिंग, वो लास्ट में हम बताएंगे। सीखा एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स आईएनजी शो कॉज एंड ईडी शो इफेक्ट। अब ऐसे एडजेक्टिव वर्ड जिनकी एंड में आईएनजी आता है वो कॉज शो करते हैं और जिनकी एंड में ईडी आता है वो इफेक्ट शो करते हैं। इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमने सीखा ऑलवेज रिमेम्बर देर आर नो वर्ड लाइक मोर गुड, इंस्टेड यूज बेटर एंड बेस्ट। Never use more cheaper, rather use cheaper or cheapest। तो ये हमने अच्छी तरीके से सीख लिया कि कब हमने मोर लगाना है, मोस्ट लगाना है या कब हमने ER या EST लगाना है। फिर लास्ट हमने देखा कि पंचुएशन कितनी हेल्प करती है कंफ्यूजन को अवॉइड करने में, तो इसलिए हमेशा हमने पंचुएशन का यूज करना है जब भी हम एडजेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे हो। Now moving further, मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज डाली है, इसको एक बारी प्लीज देख लीजिएगा, बहुत आराम से ये हो जाएगी। चाहे तो आप वीडियो 2 मिनट पॉज कर लें और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा A dash crowd gather around the place of accident। तो आपने क्या लिखा है इसका आंसर? इसका आंसर है A huge crowd gather around the place of accident। Next, we have only dash time, hurry up। इसका आंसर है We have a little time, hurry up। Next is dash words are missing in this sentence। इसका answer है some words are missing in this sentence। The man dash house we want to buy is a teacher। इसका answer है whose। She has dash eyes, big। Dash students answer questions correctly। इसका answer है few। That student was given an dash prize, attractive। The dash house on the top of hill has a door, the white house, there are dash boys in field, several, it is dash tree, it is tall tree। जो last हमारा बचा वो tall ही था, तो हमने tall लगा दिया। आई होप आपके आंसर भी मेरे आंसर के साथ मैच करते हों, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड सेंटेंस में डैश वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस सेंटेंस, हो सकता है कि आपने इसमें फ्यू लगाया हो, तो वो भी ठीक है, वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है। और हो सकता है आपने सिक्स्थ में
सम लगाया हो, सम स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चंस करेक्टली, वो भी एकदम ठीक है। और हो सकता है नाइन्थ में आपने सेवरल ना लगाया हो, आपने सम लगाया हो या फ्यू लगाया हो, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, मैंने एक और एक्सरसाइज डाली है आपके लिए, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर है। आप एक बार इसको सॉल्व करें, फिर मैं इसके आंसर्स आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है, लंदन इज डैश सिटी इन इंग्लैंड। हमें सुपरलेटिव लगाना है, तो लंदन इज लार्जेस्ट। नेक्स्ट, चीता आर डैश एनिमल इन दी वर्ल्ड, सुपरलेटिव लगाना है, फास्टेस्ट। व्हेल्स आर डैश एनिमल, सुपरलेटिव, बिगेस्ट। सैन फ्रांसिस्को इज डैश सिटी इन यूनाइटेड स्टेट, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुलेस्ट नहीं होता, इसलिए हम मोस्ट ब्यूटिफुल लगाएंगे। लास्ट, समर इज डैश सीजन ऑफ द ईयर, गुड का लगाना है। गुड का हमने देखा था, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव लगाना है, तो हो गया आंसर बेस्ट। आई होप आपके आंसर्स भी मेरे आंसर्स के साथ मैच करते हों। नाउ इफ यू लाइक माय वीडियो, टू शेयर, सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।